वेलकम टू एग्जाम IQ। इस वीडियो में देखते हैं SSC GT एग्जाम 18 फरवरी के तीनों शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसको, इसमें कौन सा सवाल पूछा गया। तो देखते हैं 18 फरवरी SSC GT एग्जाम के तीनों शिफ्ट में पूछे गए सवाल। तो तीनों शिफ्ट का सवाल मिला हुआ। तो एक सवाल आया था, कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर कहाँ है? सही आंसर हो जाता है उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल, काजीरंगा वन उद्यान कहाँ है? काजीरंगा उद्यान असम में स्थित है। असम में एक और उद्यान कौन है? मानस उद्यान भी असम में स्थित है। अगला सवाल, हिंदी फिल्म का जनक कौन है? हिंदी फिल्म का जनक दादा साहेब फाल्के, और हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही है, और हिंदी फिल्म का जनक किसको बोला गया है? दादा साहेब फाल्के को। अगला सवाल, प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में प्रकलन समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी। सही आंसर हो जाता है मुरली मनोहर जोशी प्रकलन समिति के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल, संविधान में शास्त्रीय भाषा कितनी है? कौन कौन है? संविधान में 6 शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा उसको बोला जाता है लगभग जिसका 2000 साल पहले जिसका उपस्थिति था। तो उसमें भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। तो कौन कौन? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो 6 शास्त्रीय भाषा है भारत में। अगला सवाल, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, लेकिन इसका नाम बदल के अभी नीति आयोग कर दिया गया है। 2015 से इसका नाम बदल के, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। केले केले का भूरा रंग क्या होता है? केले का भूरा रंग ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीकरण के अभिक्रिया के कारण होता है केले का भूरा रंग। अगला सवाल, साहित्य कलाकार स्वर्णिम काल किसके शासन काल को साहित्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर के शासन काल को साहित्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चित्रकला में, चित्रकला पूछे तो जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। और भारत संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या है? महाभियोग, जो कहां से लिया गया है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? प्रथम विश्व कप क्रिकेट वेस्टइंडीज ने जीता था। हुआ कब था? 1975 में हुआ था। जिसका विजेता कौन है? वेस्टइंडीज। सही आंसर हो जाता है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसियस। सही आंसर हो जाता है कुजुल कडफिसियस। अगला सवाल, GDP की गणना कौन करता है? GDP की गणना CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत का GDP की गणना करने का जिम्मा किसका है? CSO को, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली नदी ऑप्शन के अनुसार सही हो जाता है नर्मदा नदी, जो अरब सागर में गिरती है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और मौलिक कर्तव्य भारत संविधान में जोड़ा गया वो कितने अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, और भारत संविधान में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। मौलिक और भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है टोटल, 10 शुरू में थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया? एक और जोड़ दिया। कौन सा जोड़ा था? शिक्षा, मतलब 14 साल के बच्चों को शिक्षित करना भारत का मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया, तो 11 हो गए। अगला सवाल, कांगड़ा नृत्य कहाँ का है? कांगड़ा नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। सही आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल था, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी
कीट विज्ञान का अध्ययन है, सही आंसर हो जाता है कीट विज्ञान। नोट कौन जारी करता है? भारत में नोट जारी करने का आरबीआई को है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। नोट जारी करने आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी तरह के नोट जारी करती है। तो 1 रुपये का नोट जो था कौन जारी करता था? भारत का वित्त विभाग जारी करता था और बाकी बात नोट आरबीआई के जिम्मे में। अस्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? अस्कर्वी रोग मसूड़ों से संबंधित है। इस रोग में मसूड़ों से खून निकलता है। जो अस्कर्वी रोग है विटामिन सी से संबंधित है, सही आंसर हो जाता है विटामिन सी। उत्तर भारत में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन है? उत्तर भारत में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी उत्तर भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल, उदासीन कम कितना पीएच होता है? कोई भी उदासीन चीज का पीएच मान 7 होता है, पूरे पूरी 7। 7 से कम रहेगा तो अम्ल और 7 से अधिक रहेगा क्षार। फुटबॉल में दी जाने वाली ट्रॉफी, जो एक ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, जो फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाता है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। जो कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई थी? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी, 1996 सॉरी 1996 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। और अगला ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? अगला ओलंपिक जापान में खेला जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है भारत का? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सही आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश है। अगला सवाल, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय अवधि 2012 से 2017 थी। भारत में पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक सवाल क्या था? भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश हुआ था। इस साल में भारत पाक युद्ध और भारत चाइना युद्ध के भी और अकाल के होने के कारण इस पंचवर्षीय योजना इस समय लागू नहीं हुआ था। तो इसमें क्या चला था? उसमें 1 वर्ष का योजना बना रहा था। तो योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच हुआ था। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग है। घेंघा रोग में गले का आकार बड़ा हो जाता है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण क्या हुआ था? भारत कांग्रेस अधिवेशन में क्या की घोषणा हुई थी कि हर साल 26 जनवरी को भारत स्वाधीनता दिवस मनाएगा। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो 1929 में हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, सही आंसर हो जाता है फुटबॉल। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व नाम मात्र का बहादुर शाह जफर है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हो जाता है बहादुर शाह जफर, लेकिन वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान ने वास्तविक नेतृत्व किया था, लेकिन नाम का बहादुर शाह जफर बूढ़े थे, लेकिन वास्तविक नेतृत्व तो जनरल बख्त खान ने किया था। शोषण के विरुद्ध कानून क्या है? कौन सा अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध कानून अनुच्छेद 23 और 24 में है, अनुच्छेद 23 और 24। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। और छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 17 को। अनुच्छेद 17 को। अगला सवाल, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार है जो एक जो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, सही आंसर हो जाता है नागालैंड।
अगला सवाल, इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? इमली में पाए जाने वाला अम्ल टार्टरिक अम्ल है, सही आंसर हो जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला सवाल, वो तो संतोष ट्रॉफी देख ली। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल है, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बनने के लिए, प्रेसिडेंट भी बनने के लिए 30 साल चाहिए। आपको अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल चाहिए, सॉरी कुछ है मिस्टेक, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल चाहिए, और लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, ओनली 25 साल। लोकसभा विधानसभा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए 35 साल, और लोक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल। तो यहाँ पूछा गया था उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी हुए बनने के लिए, तो सही आंसर हो जाता 35 साल। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, कहाँ कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। अगला सवाल, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक कहाँ लगाया? भारत क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया था। अगला सवाल, मेटूर बांध किस नदी पे है? मेटूर बांध कावेरी नदी पे है, और कावेरी नदी पे तमिलनाडु राज्य में है, मेटूर बांध तमिलनाडु में, कावेरी नदी पे है। अटल बिहारी ने एक पुस्तक लिखी, इसका क्या नाम है? डिसिजिव डे, डिसिजिव डे अटल बिहारी द्वारा लिखी पुस्तक है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ में एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम कौन था? इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है, सही आंसर है एस्कार्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई, और आंध्र प्रदेश वैसा राज्य है जो भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य है। नोबेल शांति विजेता मलाला यूसुफजई के ऊपर बनी फिल्म क्या है? गुलमकई। मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 2014 में, भारत के कैलाश शरत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। तो मलाला यूसुफजई के ऊपर बनी एक फिल्म है, इसका नाम क्या है? गुलमकई। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, और किससे संबंधित था? जो दल बदल से संबंधित था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जो दल बदल से संबंधित था। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है, जो किस देश से लिया गया है? जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला सवाल, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, सही आंसर हो जाता है फुटबॉल। तो ये थे 18 फरवरी 2019 को SSC GD कॉन्स्टेबल के एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक सवाल। तो अगले दिन देखते हैं 19 फरवरी का जो सवाल मिलेगा वो भी देख लेंगे, कल देखेंगे उसका, कल का एग्जाम है तो 18 फरवरी का आज देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह आप देखते रहिए, बहुत से सवाल रिपीट भी हो रहे हैं आजकल। थैंक्स।